हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो ट्रंक्स ड्रैगन बॉल सीरीज के सबसे फैन फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही इतना ऑसम है। हमने फ्यूचर ट्रंक्स के बैडएस मोमेंट्स से लेकर किड ट्रंक्स के फनी मोमेंट्स तक देखे हैं। तो आज हम इसी कैरेक्टर के सभी फॉर्म्स और ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे, और ट्रंक्स के कई सारे नॉन कैनन और फैन मेड फॉर्म्स भी हैं, पर हम इस वीडियो में सिर्फ कैनन फॉर्म्स इंक्लूड करेंगे। और हमने बाकी ड्रैगन बॉल कैरेक्टर्स के फॉर्म्स भी एक्सप्लेन किए हैं, तो बाद में आप उन्हें भी चेकआउट करें। और अगर आप ट्रंक्स की डिटेल इससे जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है रेड बुल ने, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फ्यूचर ट्रंक्स एक अलग टाइमलाइन से है, जहां ज्यादातर जी फाइटर्स एंड्रॉइड्स के हाथों मर चुके थे। इस वजह से ट्रंक्स को अर्ली एज में बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ी थी, और इस वजह से उसका भी स्ट्रॉन्ग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ट्रंक्स को एक चीज बाकी सीन से अलग बनाती है, वो है उसकी स्पॉट। हम ज्यादातर सीन्स को कोई भी वेपन यूज करते नहीं देखते हैं, पर फ्यूचर ट्रंक्स एक स्पॉट यूज करता है, और इस आइकॉनिक स्पॉट से उसने सीरीज के सबसे इम्पोर्टेंट विलन को भी मारा है। इस स्पॉट में कोई एडिशनल पावर्स या एबिलिटीज नहीं है, पर हमने देखा है कि ट्रंक्स अपनी की मदद से इस स्पॉट को पावर अप कर सकता है। पर यह स्पॉट उसके बेस फॉर्म को बाकी सीन्स के बेस फॉर्म से ज्यादा डिफरेंट बनाती है। तो सभी सीन्स का फर्स्ट सुपर सीन ट्रांसफॉर्मेशन लेजेंडरी रहा है, क्योंकि ये पावर अप तभी अचीव होता है जब एक सीन एक्सट्रीम एंगर और सैडनेस फील करता है। और ट्रंक्स भी ये फॉर्म उसी समय अनलॉक करता है तो जब उसके टाइमलाइन में उसका मेंटोर गुहान मर जाता है, तो वो पहली बार सुपर सीन बनता है। तो जैसा कि हमें पता है, सुपर सीन वन में एक बड़ा पावर अप मिलता है, और स्ट्रेंथ, स्पीड, एनर्जी और सब कुछ बूस्ट हो जाता है। उसके ये फॉर्म के साथ वो पहली बार मेन टाइमलाइन में आता है, और इसी फॉर्म में हमें यह आइकॉनिक सीन देखने मिलता है जब वो फ्रीजा और किंग कोल को इजीली हरा देता है। तो कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं एनिमी टी शर्ट्स, सुपर हीरो हुडीज और फैंटेसी मर्चेंडाइज जैसी चीज़ें कहाँ से लूँ। इन सब चीज़ों का सोल्यूशन है रेड वुल्फ, जो कि हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं। रेड वुल्फ डॉट इन पर कई सारे एनिमेस, टीवी शोज और मूवीज के हुडीज, टी शर्ट्स, स्वेटशर्ट्स, एक्सेसरीज और कई सारी चीज़ें हैं। और आप ये वाला कोड अप्लाई करेंगे तो आपको सीधा 10% ऑफ मिलेगा। तो अगर आप भी हमारी तरह एक एनिमे और सुपर हीरो फैन हैं, तो आप भी रेड वुल्फ को अपना शॉपिंग पार्टनर बना सकते हैं। उसकी वेबसाइट लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के ऊपर होगी, तो इसे ज़रूर चेकआउट करें। तो ये फॉर्म फ्यूचर ट्रंक्स वेजिटा के साथ टाइम चेंबर में ट्रेन होकर अचीव करता है। ये फॉर्म सुपर सैन वन से इतना बड़ा अपग्रेड नहीं था। इस फॉर्म में ट्रंक्स की पावर बूस्ट होती है और उसके मसल्स और भी ग्रो हो जाते हैं। इस फॉर्म में वो सेमी परफेक्ट सेल से फाइट कर पा रहा था, पर परफेक्ट सेल के सामने ये फॉर्म कुछ भी नहीं था। तो ये वाला फॉर्म भी एक इम्परफेक्ट फॉर्म है, जो इतना यूजफुल नहीं रहा। अगर आपने हमारे गोकू और वेजिटा के ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो देखा होगा, तो आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता होगा। तो इस फॉर्म में एक सेन की पावर बढ़ जाती है, पर उसकी स्पीड इतनी नहीं बढ़ती और वो पावर ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता। तो एक तरह का अनस्टेबल फॉर्म है। इस फॉर्म में ट्रंक्स के मसल्स और भी बढ़ जाते हैं, और उसका पावर अब हमें सीधा देखने मिलता है। और बचपन में जब मैंने ये फॉर्म देखा था, तब मुझे लगा कि ट्रंक्स ने ब्रॉली का लेजेंडरी फॉर्म अचीव किया है, क्योंकि इन दोनों फॉर्म्स के डिज़ाइन बहुत ही सिमिलर हैं। तो इस फॉर्म में सीन बल्कियर और पावरफुल हो जाता है, पर कम स्पीड और एजिलिटी की वजह से ये फॉर्म बैटल में यूज़ करने लायक नहीं है। तो गोकू, वेजिटा और गोहान की ही तरह फ्यूचर ट्रंक्स ने भी सुपर सैयन 2 फॉर्म अचीव कर लिया था। इस फॉर्म में उसे और भी बड़ा और पावरफुल बूस्ट मिलता है, और सीन्स के आसपास लाइटनिंग आ जाती है। इस फॉर्म के साथ फ्यूचर ट्रंक्स अपनी टाइमलाइन में बाबीडी और डाबुरा को हराता है, और गू को क्रिएट होने से पहले ही रोक देता है। तो एक हिसाब से देखें तो ट्रंक्स गोकू या वेजिटा की तरह अपने ओपोनेंट को स्ट्रांग होने का मौका नहीं देता, वो सीधे विलेंस को ख़त्म कर देता है। और उसका सुपर सैयन 2 फॉर्म एक्चुअली नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ड्रैगन बॉल मांगा में जब फ्यूचर ट्रंक्स फिर से मेन टाइमलाइन में आता है, तब वो गोकू के साथ फाइट करता है, और वो गोकू की सुपर सैयन 3 फॉर्म के साथ इजीली लड़ पा रहा था। और ऐसे भी कहा जाता है कि ये दोनों इक्वली पावरफुल हैं। तो ये फॉर्म अपीयर हुआ था ड्रैगन बॉल सुपर चेक गोकू ब्लैक आर्क में, और इस फॉर्म को कई लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कि रेज फॉर्म,
इकारिया स्पिरिट फॉर्म सुपर सीन। अब तक हमने सिर्फ फ्यूचर ट्रंक्स को इस फॉर्म में जाते हुए देखा है, क्योंकि ये फॉर्म थोड़ा यूनिक है। जैसे कि इस फॉर्म का नाम ट्रंक्स, इसमें रेत से भर जाता है और उसके आंखों से पीपल गायब हो जाते हैं, और येलो उसके सुपर सीन ऑरा के साथ एक नया ब्लू ऑरा भी आ जाता है। तो अब इस फॉर्म के पीछे कई सारी थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक रेड बूस्ट है, और कुछ लोग मानते हैं कि इस फॉर्म में ट्रंक्स ने गॉड की अचीव कर ली थी, जिस वजह से उसके पास सुपर सेन गॉड ब्लू का ऑरा आने लगा, और इस फॉर्म में वो एक अलग तरह का स्पिरिट बॉम्ब क्रिएट करता है, जैसे गोकू स्पिरिट बॉम्ब में अपने आसपास की एनर्जी एक बॉम्ब में क्रिएट करता है। उस तरह ट्रंक्स वो सारी एनर्जी अपनी स्क्वाड में स्टोर करता है, और उसी पावर से वो फ्यूज्ड हुए जामुदा को मारता है। सो गाइस, इन सब फॉर्म्स में से अपना फेवरेट फॉर्म कमेंट करें, और हमें ड्रैगन बॉल जी के ऊपर बाकी सारे वीडियोस भी बनाए हैं, तो उन सारे वीडियोस को चेकआउट करना ना भूलें। और इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए रेड वुल्फ को बिग थैंक यू, और शेयर करें इस वीडियो को। दिस इज सुपर हीरो पॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।